मिस्टर जी सर भारत के कराने जाऊंगा सर प्लीज कम ऑन स्टेज एंड प्रेज टू द अदर स्टूडेंट्स our administrators, guardians, and my dear students. At first of all, we all come here to celebrate our national holiday, 15th August Independence Day. This is one of the important day of all our Indians. We all come here to celebrate our national anthem or national occasion. At first of all, I am thankful to Mr. Dubey and all of you to come to give me a golden chance to speak something about my nation on this occasion, on this good occasion. मैं आप सबों को हमारे इंस्टीट्यूट डेस्टिनेशन के बारे में बताना चाहूंगा. दरअसल शुरुआत में इसका नाम डेस्टिनेशन ही नहीं था. यह पुराने समय से न्यूज़नर सेमिनरी आवासीय विद्यालय के नाम से जाना जा रहा है. वो कहते हैं ना, कुछ चीजों पर कुछ समय पड़े रह जाने के बाद एक धुंधला सा परत छा जाता है. हमारा विद्यालय भी बिल्कुल उसी तरह है. ये बहुत ही अच्छे ढंग से चमक रहा था, लेकिन बदलते समय और बदलते हालात ने इसके ऊपर एक मलिन परत जमा दी. हो सकता है कुछ लोगों ने इसकी खूबियों को देखे बगैर इसके ऊपर एक अपना परत जमा दिया, कहने लगे कि जमाना बदल रहा है, तरीका बदल रहा है. तो हमने सोचा क्यों ना नए तरीके के हिसाब से काम किया जाए, और हमने हर चीज को नया करने का पूरा कोशिश किया. बदलते वक्त में गवर्नमेंट ने भी हमारा सपोर्ट किया. दरअसल क्या है कि हम लोग अपने पिछड़ेपन के कारण पीछे हम दोष दे रहे थे, हम अपनी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने ऐसा किया, गवर्नमेंट ने वैसा किया. कई बच्चों का आरोप होता है कि गवर्नमेंट ने रिजल्ट सही नहीं जारी की. कई का होता है नए आदेश जारी हो गए हैं, हमारा OMR तैयार नहीं हो रहा है या OMR की नहीं सिलेबस आ गई है, ये एक प्रॉब्लम बन जाता है. दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास भी उतने समय होते हैं जितना हमारे पूर्वजों के पास हुआ करता था. वो कहते हैं ना 24 घंटे, क्या हमारे लिए 24 घंटे और हमारे पूर्वजों के लिए 36 घंटे हुआ करते थे. समय उतना ही है, बस मेहनत का तरीका अलग होना चाहिए. हमारे कई बच्चे हैं जो इधर उधर भटकते रह जाते हैं, उन्हें उनके सिलेबस का अंदाजा नहीं चल पाता है और वो पढ़ाई सही से नहीं कर पाते हैं. बस इसी कारण को और इसी इन चीज छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते हुए हमने डेस्टिनेशन के बारे में सोचा और सोचा क्या कि हमारे अगर न्यूज़नर सेमिनरी को वापस एक नया रूप दिया जाए तो क्यों ना बेहतर होगा. कुछ दोस्तों की मदद से, कुछ जाने माने अच्छे लोगों की मदद से, कुछ विद्वानों की मदद से हमने काफी सलाहें इकट्ठे की, काफी ज्यादा तर्क लिए और हमने सोचा क्या कि डेस्टिनेशन को एक नया रूप दिया जाए जहाँ हर तरह की फैसिलिटी दी जाए. वैसे तो कहा जाए जितनी हमने वायदे की है सबको हम फुलफिल कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा पैमाना काफी छोटा है. जितना हम कह पा रहे हैं उतना हम करने की कोशिश तो कर रहे हैं, पूरी तरह से हो नहीं रहा है. जैसे हमने कहा कि प्रैक्टिकल की सुविधा, वैसे 10th level तक तो हम सारे प्रैक्टिकल को अवेलेबल करवा पाते हैं, लेकिन अगर जिक्र करते हैं 10+ की, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में 12th तक की पढ़ाई है, 11th और 12th में कई सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं या ऑप्टिकल्स आते हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है और अवेलेबल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम चाहेंगे, हम गार्जियन का सपोर्ट चाहते हैं कि हम उनका दुआ हमारे साथ रहे ताकि हम आगे बढ़ सकें, हम वैसे ऑब्स्टिकल को वैसे इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ कलेक्ट कर पाए. और दूसरा, हम हर बच्चों का साथ चाहते हैं, जिस तरह से वो आज इंडिपेंडेंस डे में हमारे साथ हैं, अगर ये साथ बनाए रखें तो हम इनके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे और ये हमारे लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे. रावा डेस्टिनेशन सिर्फ एक नाम नहीं है, इसका अर्थ अगर देखा जाए तो लक्ष्य होता है. और कई लोग ऐसा कहते हैं क्या कि अगर नाम रख लेने से कोई अच्छा नहीं हो जाता. हमारे क्षेत्र में कहावत भी आते हैं, आग का अंदर नाम नयन सुख. नाम कुछ और होता है, काम कुछ और होता है. नाम रहता है नयन सुख, लेकिन बेचारे की आंखें खराब है. होता है बेहड़ा लेकिन अच्छा सुनने वाला नाम होता है. वैसा कुछ नहीं है, हमारा डेस्टिनेशन आपके लिए वाकई एक डेस्टिनेशन है, एक एम्बिशन है, एक डिजायर है. अगर आपकी इच्छा हो तो हम कई लोगों से यही बात कहना चाहेंगे, सबों से कहना चाहेंगे कि डेस्टिनेशन का अर्थ जानने के पीछे पागल ना हो, उसको समझने के लिए वहां आकर आप फील करें पहले क्या वाकई में डेस्टिनेशन का काम कर रहा है. कुछ कमियां हैं, सुधार की जा रही है, बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी खुशियां चाहिए और आपका मदद चाहिए. अगर आप खुश होकर हमारा सपोर्ट करेंगे और हमारी मदद करेंगे तो कामयाबी हमारे साथ होगी और फतेह बस आपकी होगी, क्योंकि आने वाला रिजल्ट आपका अच्छा होगा. हमारा धन्यवाद.